शिट, इसे क्या हो गया? ओह शिट, टायर पंक्चर, इसको भी अभी पंक्चर होना था। स्टेपनी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान किधर हैं आप? बताया तो था शहर से बाहर जा रहा हूँ, क्यों खैरियत है? वो आपको बताया था ना, छोटू को लेने गांव जाना है। हाँ हाँ। तो उधर ही जा रही थी, बस 15-20 किलोमीटर पहले गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। इलाका भी बहुत वीरान सा है। चलो, ये तो इलाका ही चोरों और डकैतों का है। आप जल्दी आ जाए ना, मेरे पास तो स्टेपनी भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अच्छा चलो डरो ना, मैं आता हूँ, तब तक गाड़ी लॉक रखना और प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को कॉल कर दो। और हाँ, पुलिस के आने तक गाड़ी से बिल्कुल बाहर ना निकलना। चलें ठीक है, मैं रास्ते में ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ। आ जाए। मोबाइल भी बंद हो गया, ये गाड़ी क्यों रुक गई है? दूसरी पिन भी नहीं याद नहीं रखनी, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं? या अल्लाह मेरी मदद करना, मुझे इस परेशानी से निकाल। मैंने पुलिस को फोन किया है, वो बस आते ही होंगे। अच्छा तो इस बेचारी का टायर पंक्चर हो गया। बीबी जी आप परेशान ना हो, मैं आपका टायर चेंज कर देता हूं। बीबी जी डिग्गी खोले, मैं स्टेपनी चेंज कर दूं। स्टेपनी तो नहीं है मेरे पास भाई। चले फिर, मेरे होते परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर दुकान है पंचर वाली, मैं आपका टायर ले जाता हूँ, पंचर लगवा के वापस ले आता हूँ। ठीक है भाई। आप शीशे चढ़ाएं और इजी हो जाएं। ठीक है भाई। आपका टायर बिल्कुल फिट है, बेफिक्र होके जाएं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, अगर आज आप ना आते तो पता नहीं क्या बनता। अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी मेहरबानी। एक कॉल करवा देंगे आप?
हेलो इमरान, कहाँ हैं आप? मैं आ ही रहा हूँ, सब खैरियत है ना? और ये नंबर किसका है? एक अल्लाह के बंदे ने टायर को पंक्चर लगवा दिया, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, गाँव में पता है ना आगे किधर जाना है? जी मेरी उनसे बात हुई है, उसके अबू कह रहे थे गाँव में एंटर होते ही सारियाज रेस्टोरेंट है, आप उधर आ जाए हम भी उधर आ जाएंगे। चले ठीक है, ध्यान से जाना जरा। हाँ जी ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब एक मिनट। नहीं नहीं मैडम, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस दुआओं में याद रखिएगा, चलता हूँ। भाई साहब अपना नाम तो बताते जाइए, कम से कम नाम लेकर दुआ तो कर सकूंगी आपके लिए। मैं सलार हूँ, ये गाड़ी मेरे मालिक की है, मैं ड्राइवर हूँ, चलता हूँ। वालेकुम सलाम। अगर वो लड़का ना आता तो पता नहीं क्या बनता। मेरे पास तो पैसे भी काफ़ी सारे थे, शुक्र है अल्लाह का कि मेरे साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ। वैसे बड़ी बात है, उसने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, अल्लाह भला करे सलार का। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये मैंने हूँ। नहीं बेटा मैंने खाना कुछ नहीं है, आप ऐसा करो एक पानी की बोतल ले आओ और साथ बिल ले आना, मैं इधर किसी का वेट कर रही हूँ। जी ठीक है मैम। इस बेचारी की जरूर कोई मजबूरी होगी जो ये इस हालत में भी काम कर रही है। मैम ये ले मैम बिल। बेटा ये बिल ले जाना। आज किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की, बस समझो वही नेकी तुम्हें लौटा रही है। ये 10,000 तुम्हारी टिप है। खुदा भी कितना मेहरबान है ना, कि जिस वक्त मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने बंदोबस्त कर दिया।
एक मोबाइल डिलीवरी के लिए मुझे इन पैसों की जरूरत पड़नी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हैं आप। सलार आप अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। आ जाओ। बहुत ऐसे वाकयात हैं जिनको हम बस एक नज़र देखकर भूल जाते हैं। अगर आप भी किसी से नेकी करते हैं तो उसके अजर की उम्मीद अल्लाह से रखें, ना कि जिसके साथ नेकी की हो, क्योंकि अल्लाह ही सबसे ज़्यादा और जो आपके हक में बेहतरीन है वो देगा। शुक्रिया।